लास्ट क्लास हम लोग सिमिलैरिटी कर रहे थे। सिमिलैरिटी का एक्सरसाइज आई थिंक कंप्लीट हो चुका था हम लोगों का ना। 11.3 हम लोगों का कंप्लीट हो चुका था ना चिल्ड्रन। गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन। एक्सरसाइज 11.3 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, है ना। आज हम लोग 11.4 करेंगे। और 11.4 के पहले बच्चों हमें बहुत सारे जो है ना यहाँ पे पहले आगे थ्योरम्स करने हैं, ठीक है ना। तो अब ये इम्पोर्टेंट थ्योरम आ रहा है चिल्ड्रेन हमारे पास यहाँ पे, और आज से ना चिल्ड्रेन आपकी अटेंडेंस भी लगेगी। तो जो आप लोग प्रेजेंट हो गए हो, एक बार मैं कागज पे नोट कर लेती हूँ। ठीक है चिल्ड्रन, आज हम लोग नेक्स्ट थ्योरम से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहला जो हमारा थ्योरम है ना चिल्ड्रन, वो पाइथागोरस थ्योरम है जो हम काफी समय से यूज करते आ रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि कोई भी अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में
राइट एंगल बनाने वाली जो दो साइड्स हैं उनका होल स्क्वायर जो होता है बच्चों, उनका होल स्क्वायर हाइपोटेनियस के होल स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये हम यहाँ पे अब 10th क्लास में हम जब हमने सिमिलरिटी पढ़ ली है चिल्ड्रन, हमने 9th में भी इसको प्रूव किया था बच्चों, बट 9th में हमारे पास हमने सिमिलरिटी नहीं पढ़ी थी इसलिए हम वहाँ पे प्रूव नहीं ढंग से कर पाए थे। आज हम लोग इसको प्रूव करना सीखेंगे। तो हमारा ये थ्योरम है 11.9। अब सपोज करो कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं चिल्ड्रन, इस तरह से यहाँ पे ना मैं ये राइट एंगल यहाँ पे ले रही हूँ, और यहाँ से बच्चों मैं एक परपेंडिकुलर भी ड्रॉ कर रही हूँ, ये मुझे प्रूफ करने के लिए जरूरत होगी। तो यहाँ हमारे पास आपको पता ही है कि दिया रहता है गिवन में, गिवन में हमें दिया हुआ है ए बी सी ट्रायंगल, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, या ए बी सी इज ए ट्रायंगल राइट एंगल है बी, क्या प्रूफ करना है हमें? तो ये देखो ये हाइपोटेनियस हो गया बच्चों, क्योंकि बेस है और परपेंडिकुलर है, या इधर बेस ले लो इधर परपेंडिकुलर ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें प्रूफ करना है चिल्ड्रन ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन किया है, कंस्ट्रक्शन में क्या किया है चिल्ड्रन, हमने ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर ऑन ए सी। ये तो जो मैं की बेटा डायग्राम में जो मैं बनाई वो डायग्राम बनाकर, और जो इन्फॉर्मेशन था हमारा वो इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो बी पे 90 डिग्री है, और साथ ही साथ हमने एक यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया है बी से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉन किया है ए सी के ऊपर, और अब मैं इसको प्रूफ करने वाली हूँ। अब देखो सबसे पहले देखो चिल्ड्रन कैसे हम इसको प्रूफ करेंगे, हर बार हम एक छोटा ट्रायंगल लेंगे और एक बड़ा ट्रायंगल, जैसे एक बार ये छोटा उठाएंगे और पूरा बड़ा, फिर एक बार ये छोटा उठाएंगे और पूरा बड़ा। इन ट्रायंगल पहले ये छोटा ले रहे हैं ए डी बी, राइट एंगल को बीच में रख रही हूँ, और फिर बड़ा ले रही हूँ तो बड़े में क्या है ए बी सी। अब देखो एक एक एंगल तो बच्चों 90 डिग्री है ही है, जैसे छोटे ट्रायंगल का ये वाला जो एंगल है इसकी नेमिंग में 1, इसकी नेमिंग में 2, इसकी नेमिंग में 3 और इसकी नेमिंग में 4 कर रही हूँ। पहले छोटा ट्रायंगल लिखी हूँ तो एंगल 1, और ये बड़े ट्रायंगल के एबीसी के इक्वल है, और ये दोनों क्या है बच्चों 90 डिग्री है ना। अब ये देखो दोनों में कॉमन है एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3 है ना, कॉमन है, तो देयरफॉर ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी हो गया, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अब आपको पता है ना कि जब ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनके कोरिस्पोंडिंग साइड के रेशियो जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जिसका जरूरत है बच्चों उसको लेंगे, जिसकी जरूरत नहीं है उसको नहीं लेंगे। एबी की जरूरत है तो राइट एंगल के सामने की साइड क्या है बच्चों, छोटे ट्रायंगल को ऊपर रख रही हूँ एबी, और बड़े ट्रायंगल के राइट एंगल के सामने क्या है बच्चों एसी। अब एक और चाहिए मुझे, ये देखो ये कॉमन वाले के सामने बीडी है, हमारे कहीं बीडी इसमें है नहीं तो मैं इस वाले को छोड़ दूंगी। तो अब छोटे ट्रायंगल का कौन सा एंगल बच गया, देखो ये वाला एंगल बच गया, इसके सामने क्या आ रहा है एडी, और छोटे एंगल का छोटे ट्रायंगल का बेटा ये वाला बड़े के किसके इक्वल है 4 के, और 4 के सामने क्या है एबी। ये निकालना वापस से एक बार सिखा रही हूँ, जब सिमिलर कर लो एक लास्ट क्लास में मैं आपको और भी बताई थी, जब आप सिमिलर कर लो तो एंगल के सामने की साइड लो, जो भी ट्रायंगल पहले लो इस ट्रायंगल का 90 डिग्री, इसके सामने ए बी, बड़े ट्रायंगल का 90 उसके सामने ए सी, इसके सामने बेटा बी डी है, बी डी की जरूरत नहीं है तो वो वाली साइड हम हटा देंगे। तो अब तीसरा एंगल कौन सा बच गया, ये
इसके सामने क्या है AD, और बड़े ट्रायंगल का तीसरा कौन सा बच गया, ये इसके सामने भी क्या है AB, ये लिख लिए हम। कोई दिक्कत यहाँ तक, किसी बच्चे को कोई दिक्कत, बोलो बेटा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू ए सी, और इसको फर्स्ट करके छोड़ दिया। बच्चों रिस्पॉन्स तो करो, सबको आ रहा है समझ में या लिखने में लग रहे हो? ठीक है ना, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब दूसरा वाला ट्रायंगल लिख दे, हो जाए तो बच्चों डन लिखना, फिर इसको रब करूंगी मैं। ठीक है ना, तो अब क्या करते हैं चिल्ड्रेन, अब दूसरे तरफ का ट्रायंगल लेते हैं, है ना। तो ये तो यही रह जाएगा, और अब ट्रायंगल बेटा इधर वाला ले लेते हैं, और इस ट्रायंगल का नाम क्या है, बीसीडी, बी डी सी ले लेते हैं, है ना, ट्रायंगल बी डी सी। अब देखो बी डी सी लिया है हमने, ये हमेशा ये छोटा ट्रायंगल का ये है 90 बेटा, तो डी की जगह तो बी सही है, छोटे ट्रायंगल का बी ये है और ये बड़े के एक एक होता है, सही है सीक्वेंस बच्चों। अब देखो फिर वैसे ही लिखते हैं, एंगल टू इज इक्वल टू एंगल बीबीसी, एंगल टू इज इक्वल टू, ये छोटे का है बेटा और बड़े का है एबीसी, और ये क्या है 90 डिग्री। अब और एक कॉमन है बेटा, देख लो छोटे में और बड़े में 4, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू कॉमन। अब मुझे ना बेटा उसकी जरूरत थी, ए बी स्क्वायर क्या आया था अपना, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी जरूरत है मैं ऊपर लिख लेती हूँ, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी, ये फर्स्ट वाला लिख के रखती हूँ ताकि यूज करूं। अब इसी तरह से बेटा देयरफॉर ट्रायंगल बी डी सी सिमिलर टू ट्रायंगल एबीसी, किससे बच्चों, तो बाई ए ए कॉन्ग्रेंसी, है ना, ए ए कॉन्ग्रेंसी से दोनों सिमिलर हो गए। अब फिर वैसे ही कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो लेते हैं, तो डी के सामने की साइड क्या है बीसी, और इसके सामने की साइड क्या है चिल्ड्रेन एसी, और फिर ये 4 नहीं चाहिए मुझे, इसके सामने क्या है सीडी, और ये किसके इक्वल है बच्चों, तो ये बड़े वाला के, और बड़े के सामने क्या है बीसी, हमेशा एंगल के सामने की साइड ढूंढना, और बीसी स्क्वायर इक्वल टू एसी इंटू सीडी, और इसको कर लो सेकेंड, वहां पे मैंने अपने आराम के लिए ऊपर रख लिया है बच्चों। अब हम ऐड कर देंगे, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, 2 और 1 को ऐड कर देंगे, है ना। अब देखो मैं यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, अब देखो लेफ्ट में लेफ्ट ऐड होगा बच्चों, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और राइट में राइट ऐड होगा बच्चों, ए डी इंटू ए सी प्लस ए सी इंटू सी डी। अब दोनों में देखो ए सी क्या है कॉमन है, तो ए सी को बाहर निकाल लो, अंदर क्या बच गया एडी प्लस सी डी, एडी प्लस सी डी, और ऊपर देखो डायग्राम में एडी और सी डी मिलकर क्या है ए सी इंटू ए सी, और आ गया ए सी स्क्वायर, और हो गया प्रूफ हमारा, है ना, एडी और एसी मिलकर क्या हो गया एसी, और एक एसी हमने कॉमन लिया, तो दोनों एसी इंटू एसी मिलकर क्या हो गया एसी स्क्वायर, तो हमारा ये प्रूफ हो गया। कोई दिक्कत,
हो जाए बच्चों तो कहना, आज तो बहुत सारे थ्योरम्स हैं, तो अभी तो सारे थ्योरम्स का ही टर्न है हमारा आज करने का, इसके बाद इसी का हम कन्वर्स करेंगे, है ना। आज कम बच्चे क्यों हो, आप लोग ज्यादा आते थे, आज बच्चे कम क्यों हैं? डेली तो आप लोग नंबर आपके ज्यादा होते थे चिल्ड्रेन, आज कौन बच्चा नहीं आया है आप लोगों का? डन चिल्ड्रेन, अपना हम इसी का कन्वर्स करेंगे चिल्ड्रेन। कन्वर्स का मतलब क्या है कि जब ट्रायंगल राइट एंगल था तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। अब ये कहेगा कि अगर कोई ट्रायंगल है जिसमें परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर हाइपोटेनियस के स्क्वायर के अगर इक्वल है तो वो ट्रायंगल हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल ही होता है। ओके, ये अब करेंगे, ये हमारा नेक्स्ट थ्योरम है चिल्ड्रेन, दिस इज द थ्योरम 11.10। देखो पाइथागोरस थ्योरम को ही ना बच्चों बोधियान थ्योरम भी लिखा हुआ आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो आप कंफ्यूज मत होना कि ये जो है क्या है, इसका नाम जो है ना बोधियान थ्योरम भी है। तो यहाँ पे कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, अब ये देखो क्या कह रहा है कि ये ट्रायंगल है A, B, C, जिसमें गिवन है उसका क्या गिवन है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर। तो आप हमें प्रूफ कर दीजिए, क्या प्रूफ कर दीजिए कि एंगल B जो है वो 90 डिग्री है या ABC इज ए राइट एंगल, ठीक है। अब अकेले ट्रायंगल में बताओ बच्चों कैसे प्रूफ करेंगे, कुछ भी नहीं है हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ, तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना है ना। कुछ भी नहीं दिया हुआ है मतलब मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन करना है। अब कंस्ट्रक्शन करने के लिए चिल्ड्रेन एक और ट्रायंगल ले लेंगे, एक और ट्रायंगल ले लेंगे DEF, और ये ऐसे है बच्चों कि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये 90 डिग्री है। तो अब लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल DEF सच दैट DE इक्वल टू AB, EF equal to BC and angle K is equal to 90. हो गया? ये हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया है। ओके चिल्ड्रन, अब देखो प्रूफ। इन ट्रायंगल DEF एंगल E is equal to 90 डिग्री है, therefore DE square प्लस EF स्क्वायर इज इक्वल टू DF स्क्वायर, इससे बेटर बाय पाइथागोरस लिख लेना है ना। बट DE किसके इक्वल है बेटा कंस्ट्रक्शन से, यहाँ देखो AB के, और EF किसके इक्वल है बेटा BC के, ये किससे हमने किया बाय कंस्ट्रक्शन। अब ये हमने किया बट लेकिन गिवन क्या है, गिवन में है बच्चों ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। अब इससे वन और टू से क्या मिला हमें, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड डी एफ इसका स्क्वायर जो है ए सी के, डी एफ का जो स्क्वायर है ए सी के स्क्वायर के इक्वल है, और जब किसी चीज का होल स्क्वायर इक्वल होता है बेटा तो वो अकेला भी इक्वल होता है।
यहाँ तक करूँ फिर मैं आगे बताऊँ। कोई दिक्कत है यहाँ तक या सबको आ गया समझ में? ओके आप कर लो तो डन लिखते ना, है ना। अब देखो चिल्ड्रन, पहले ट्रायंगल एबीसी और दूसरा ट्रायंगल डीईएफ, उनके तीनों साइड आपस में इक्वल हो गए। दो तो कंस्ट्रक्शन से इक्वल थे और तीसरा मैंने इक्वल कर दिया, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। और जब कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्रायंगल तो दोनों के सारे एंगल क्या होंगे? इक्वल। तो इससे मुझे क्या मिल गया? एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। आ गया ना समझ में? क्या लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ? एबी इज इक्वल टू डी, बीसी इज इक्वल टू डीएफ, एंड अभी तीसरा हमने भी प्रूव कर दिया एसी इज इक्वल टू डीएफ। देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डीईएफ। जब कॉन्ग्रुएंट हो गया बच्चों तो therefore angle B is equal to angle E is equal to 90 degree. Therefore ABC is a right angle triangle. चलो ये कर लो, फिर इसके बाद आगे भी थ्योरम ही है बच्चों, दो थ्योरम और। अब अभी हमने जो थ्योरम किया बच्चों, हमने किया पाइथागोरस या बोधियांग थ्योरम, बुक में लिख रखा होगा देखना, और फिर इसी थ्योरम का हमने कन्वर्ट किया है ना। यहाँ देखो लिखा हुआ है बोधियांग थ्योरम, किससे किया हमने चिल्ड्रन? सिमिलरिटी से किया। अब आगे जो हम करने वाले हैं बेटा, ये इसी बोधियांग थ्योरम के ही रिजल्ट पे ये डिपेंडेंट है, बोधियांग थ्योरम के रिजल्ट से। अब ये जो आगे जो दो थ्योरम करा रही हूँ ना बच्चों, इससे ना एक कोरोलरी होगा, वो उसी की हेल्प से होगा। तो कोरोलरी तो हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम दो थ्योरम्स कर रहे हैं, जिसमें एक बार हम ऑब्ट्यूस एंगल के लिए करेंगे और एक बार एक्यूट एंगल के लिए करेंगे। सबसे पहले हम ऑब्ट्यूस एंगल के लिए करेंगे और देन फिर हम एक्यूट के लिए। सो अब जो हम थ्योरम करने जा रहे हैं, दे आर दिस थ्योरम्स आर बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम और बोधियांग थ्योरम। जैसे देखो बीपीटी को थेल्स थ्योरम भी कहते हैं ना, तो जैसे बीपीटी थेल्स थ्योरम कहा जाता है चिल्ड्रेन, ठीक उसी तरह से हमारा ये पाइथागोरस थ्योरम जो है उसका नाम बोधियांग थ्योरम भी है। तो आप ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि एग्जाम में बोधियांग थ्योरम लिखा आ जाए तो आपको प्रूफ आता भी रहे तो आपको ये समझ में नहीं आए कि हमें क्या करना है। तो इसलिए आपको सबके नाम भी जानने बहुत जरूरी है ना। तो अब मैं नेक्स्ट थ्योरम कर रही हूँ 11.11। ये है हमारा थ्योरम 11.11। देखो ये थ्योरम क्या कहता है, ये थ्योरम कहता है कि अगर कोई ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल एबीसी है, ये हमने बना लिया एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल एबीसी। ऑब्ट्यूस मींस दिस एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, इन विच एंगल बी इज ऑब्ट्यूस एडी परपेंडिकुलर ऑन बीसी। तो ऑब्ट्यूस एंगल का याद होगा आप लोगों को कि परपेंडिकुलर हमेशा बाहर की तरफ ही आएगा,
तो कहता है कि देन प्रूफ कर दीजिए, क्या प्रूफ कीजिए, ए सी स्क्वायर, अब यहाँ पे गिवन भी क्या है, ए बी सी इज एन ऑब्ट्यूस ऑब्ट्यूस ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल एंड एडी परपेंडिकुलर ऑन बीसी, हमेशा ऑब्ट्यूस एंगल में बेटा बाहर की तरफ, और अगर एक्यूट होगा तो अंदर की तरफ, ऑब्ट्यूस का बाहर और एक्यूट का अंदर, क्या प्रूफ करना है चिल्ड्रन, हमें प्रूफ करना है चिल्ड्रेन ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस टू बी सी इंटू बी डी, ये हमें प्रूफ करना है चिल्ड्रेन, ठीक है ना, कुछ नहीं करेंगे, पाइथागोरस की सिर्फ हेल्प लेंगे। सबसे पहले इस छोटे वाले ट्रायंगल में आ रहे हैं, ट्रायंगल एडी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर, और इसको फर्स्ट कर लेती हूँ। अब बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेती हूँ, जहां जहां पाइथागोरस लगा सकते हैं चिल्ड्रन वही लेंगे, इन ट्रायंगल ए डी सी, जहां भी हम पाइथागोरस लगा सकते हैं चिल्ड्रन उस ट्रायंगल को हम कंसीडर कर लेंगे। तो पहले तो एक छोटा ट्रायंगल हमने कंसीडर कर लिया, ए हमारा ए डी बी जो है इसमें 90 लगाकर हमने पाइथागोरस लगा दिया, और अब देखो बड़ा वाला ट्रायंगल जो है ए डी सी, इसमें भी हम पाइथागोरस लगा देंगे, तो ये हो जाएगा चिल्ड्रन ए डी स्क्वायर प्लस, मैंने एक बार मैं पूरा लिख लेती हूँ फिर मैं इसको ब्रेक करूंगी, डी सी स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू चिल्ड्रन ए सी स्क्वायर। अब एक बार आप इधर देखो कि आपको जो प्रूफ करना है ये वाले से ही करना है ना चिल्ड्रन, तो मैं इसी को लेकर आगे बढ़ूंगी, इसको मैं प्रॉपर वे में लिख लेती हूँ, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। अब देखो सी डी दो से मिलकर बना है, सी डी किससे किससे मिलकर बना है बच्चों, बी डी प्लस बी सी और इसका होल स्क्वायर। अब ये देखो आइडेंटिटी हो गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू बी, ठीक है ना। अब ए डी और बी डी, देखो ए डी और बी डी ये दोनों मिलकर क्या होते हैं ए बी, एक बार इसको ब्रैकेट में ओपन क्लोज कर लो, अब ये दोनों मिलकर क्या हो गए, ऐसे भी यहाँ पे लिखा हुआ है, फ्रॉम वन भी लिख सकते हैं किया हुआ है, अब इसको अरेंज कर लेते हैं बीसी को आगे, यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है चिल्ड्रन, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी कर दी हूँ, और ब्रेक करके मैंने आइडेंटिटी लगा दिया है, इसमें ब्रेक करके आइडेंटिटी लगा दी और हमारा रिजल्ट आ गया, है ना, क्लियर है बिल्कुल। कोई दिक्कत नहीं है चिल्ड्रन, है ना, बहुत इजी आ रहा है, कोई दिक्कत है, बस याद रखना है कैसे कैसे हम क्या कर रहे हैं। अब इसी को हम एक्यूट एंगल के लिए करेंगे चिल्ड्रन, इसके बाद डायरेक्ट एरिया का ट्रेंड आ जाएगा थ्योरम, जो इम्पोर्टेंट है बेटा, बहुत बार हमारे आया भी है। मैं ना आपको एक बार जो इसका एक्यूट जो है ना चिल्ड्रन ओरली मैं यहाँ डायग्राम में बता देती हूँ, और उसके बाद मैं थ्योरम आपको एरिया का करा देती हूँ, ताकि जो है हम नेक्स्ट जो है हम क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं ना। देखो कुछ मन करना,
11.12 के भी बड़े इजीली से बना लोगे आप वो भी। जैसे ये सिखाई हूं ना ऐसे ये भी बनाना। ये हो गया हमारा एक इंटीग्रल और डाल देना परपेंडिकुलर इस तरह से डी, ठीक है ना। अब क्या करोगे इसमें, जब आप ये परपेंडिकुलर ड्रॉन कर दोगे चिल्ड्रन, तो इसमें क्या करना, एक बार इधर देखो 90 दिख रहा है ना और एक बार इधर 90 दिख रहा है, तो एक बार तो बीडी ले लेना। जैसे इसके प्रूफ में देखो इसमें बीडी है, लेकिन इसके प्रूफ में बेटा सीडी नहीं है, तो सीडी की जगह पर ले लेना बीसी माइनस एच। बना लोगे फटाफट बताओ तो मैं आगे थ्योरम बताऊ, नहीं तो ये बता दूंगी। जैसे पहले वाले को बनाए वैसे ही ये भी बनेगा। आगे की तरफ तो हम बीडी ले लेंगे क्योंकि बीडी है हमारे प्रूफ में, इसमें माइनस में आ जाएगा चिल्ड्रेन, है ना। इसमें आपका जो है जो पहले वाले थ्योरम में हमने प्लस में लिखा ना, वो माइनस हो जाएगा 2bc इनटू बीडी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमें नहीं चाहिए सीडी, नहीं चाहिए तो सीडी की जगह पर हम क्या लिख देंगे, बीसी माइनस बीडी होल स्क्वायर कर देना बच्चों, और माइनस की आइडेंटिटी लगा देना। कर लोगे ना। अब मैं आपको एरिया वाला थ्योरम करा देती हूँ ताकि नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज अपनी स्टार्ट कर लेना। क्या कहता है थ्योरम हमारा एरिया का, ठीक है ना। एक ही थ्योरम है बेटा, ये थ्योरम जो है इसका नाम ही है थ्योरम रिलेटेड टू एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। पहले मैं एक बार समझा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब थ्योरम के नंबर से तो कुछ मतलब नहीं है, बट ये 11.13 हो चुकी है ना। देखो ये थ्योरम आप सभी इधर पहले देखो, लिखना बाद में। ये थ्योरम कहता है कि अगर कोई दो ट्रायंगल, जैसे सपोज करो एक ट्रायंगल एबीसी है और एक ट्रायंगल मेरे पास डीई है, और ये दोनों ट्रायंगल ना चिल्ड्रन सिमिलर है, क्या है सिमिलर, तो ये थ्योरम कहता है कि अगर ये ऐसी स्थिति है तो इस केस में पहले वाले ट्रायंगल का जो एरिया है और जो दूसरे वाले ट्रायंगल का बच्चों एरिया है, ये इसके जो साइड है ना, याद ही होगा कि साइड का जो होता है रेशियो होता है उसके होल स्क्वायर के इक्वल होता है। ये हमें प्रूफ करना है। आ गया समझ में क्या है थ्योरम। इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर देन रेशियो ऑफ देयर एरिया, देन रेशियो ऑफ देयर एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू इच अदर देन रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू होल स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ बोथ ट्रायंगल्स। इसमें कंस्ट्रक्शन होगा बच्चों, क्योंकि एरिया की बात हो रही है तो एरिया के लिए परपेंडिकुलर चाहिए। बी नहीं, बी तो हो चुका है, एक को एम ले लेते हैं, एक को एम, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन ड्रॉ एम परपेंडिकुलर ऑन बीसी एंड एम परपेंडिकुलर ऑन। अब क्या करो, दोनों का एरिया निकालो, और एरिया निकालने के पहले बच्चों दोनों ट्रायंगल को कॉम्बिनेट कर दो। ट्रायंगल ए एम बी एंड ट्रायंगल डी एन ई, एंगल एम इज इक्वल टू एंगल एन इज इक्वल टू 90 डिग्री, और बेटा सिमिलर ट्रायंगल है तो बी किसके इक्वल होगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। वाई ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ, देयरफॉर ट्रायंगल एएमबी सिमिलर टू ट्रायंगल डीएन। अब जब ये सिमिलर हो गए तो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो क्या होंगे बच्चों, इक्वल होंगे, तो एबी अपॉन डीई इक्वल टू एएम अपॉन डीएन। नीचे वाले की जरूरत नहीं, उसको लेंगे ही सेकंड। साथ ही साथ बच्चों दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं,
तो आपको पता है ना सारे साइड इक्वल होते हैं एंड पहले जो सिमिलर थे उससे ये रिजल्ट लिख लेते हैं ए बी अपॉन बी ए सी अपॉन बी एफ बी सी अपॉन ई एफ ये भी सिमिलर सब इक्वल है बेटा ये फर्स्ट है हमारा ये सेकेंड है क्यों क्योंकि दोनों ट्रायंगल कैसे ट्रायंगल है सिमिलर ट्रायंगल अब बस इन दोनों रिजल्ट से ही हमारा प्रूव हो जाएगा एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ डी ई एफ हाफ बेस हाइट हाफ बेस हाइट ठीक है अब देखो ये दोनों हमने ऑलरेडी निकाल रखा है किसके इक्वल है ए बी अपॉन बी के बी सी अपॉन ई एफ इंटू ए बी अपॉन डी ई और हमें पता है कि बी सी अपॉन ई एफ किसके इक्वल है ए बी अपॉन डी ई के तो यहाँ पे हम लिख देंगे चिल्ड्रन ए बी अपॉन डी ई इंटू ए बी अपॉन दिख रहा है तो क्या हो गया ये ए बी का स्क्वायर अपॉन डी ई का स्क्वायर इसको कर दो थर्ड अब फर्स्ट सेकंड थर्ड से ये लिख देना हैंस प्रूफ क्योंकि तीनों आपस में क्या है सारे जो है आपस में इक्वल है तो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड यहाँ पे लिख देंगे ना ये जहां मैंने टू टू लिखा है From second and third हो गया आ गया चिल्ड्रन समझ में दिख रहा है ना आपको वापस से एक्सप्लेन कर दूं या आ गया सबको समझ में पहले दोनों राइट एंगल ट्रायंगल को सिमिलर कर देंगे और सिर्फ हमारा काम है चिल्ड्रन कि जो परपेंडिकुलर का रेशियो है उसको साइड के रेशियो के इक्वल कर दें अब पहले से ही तीनों साइड के रेशियो इक्वल थे तो उनकी जगह पर हमने उनको रख दिया ये बेटा बीपीटी या ये थ्योरम इनमें से एक थ्योरम बोर्ड में आपके जरूर आता है तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना इजी बहुत है बस याद रखना है हमें बच्चे जनरली भूल जाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल को भी सिमिलर कर लेते हैं बेटा लेकिन जो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है जिससे ये रिजल्ट मिला है इसको वो भूल जाते हैं फिर उनको लगता है अब मैं इसको क्या करूं तो बीसी अपॉन ई एफ जो है इसकी जगह भी हम रख देंगे और यहाँ लिख देना बच्चों फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड यहाँ पर हमने इन दोनों की वैल्यू ली है ना तो यहाँ पे लिख देना फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड और तब उस थ्योरम का नाम लिखना थर्ड फिर से एक्सप्लेन करूं चिल्ड्रेन ये आ गया समझ में आपको ठीक है बेटा डन कर लियो सोनू वापस सबको समझ में आ गया है ना कनिका अब हम नेक्स्ट क्लास में चिल्ड्रेन एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे आज बहुत सारे थ्योरम थे ना तो इसलिए हमारा थ्योरम का काम मैंने कर लिया इजी बहुत ही इजी एक्सरसाइज है और जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो बेसिकली ज्यादातर क्वेश्चन इन्हीं पर बेस्ड है ना तो इनसे ही हम रिलेटेड है हमारा 11.4 तो हमारा एक चैप्टर जो है ये एक बड़ी एक्सरसाइज थी चिल्ड्रन सिमिलरिटी एक बड़ी आती है इसके बाद जो सर्कल वगैरह है ना वो सब एक्सरसाइज छोटे छोटे हैं लेकिन ये एक बड़ी एक्सरसाइज थी इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लगा हमें करने में जो सिलेबस बेटा कम हुआ है आप लोगों को किसी के पास मालूम है क्या